कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटम, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है वह केमिस्ट्री में है 11th क्लास में है, और फिजिक्स में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर 12th क्लास में है। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इसे, लेकिन किस एक्सटेंट तक पढ़ते हैं वह थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पूरा चैप्टर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पे था, जबकि यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स पर ज्यादा अच्छे से समझ डेवलप करना होता है आपको यहां पर। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम अगर हम देखें तो वह क्या होते हैं, जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी बात करूंगा मैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं, हम केवल एटम के स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं यहां पर, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बाकी चीजें पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुई, गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी थी, उन्होंने कैथोड रेस फाइंड किया था। कैथोड रेस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब होता है एक, जिसके अंदर गैसेस को लो प्रेशर पर रखा जाता है और हाई वोल्टेज वहां पर मेंटेन करते हैं, और वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वह कैथोड से, जिसे नेगेटिवली चार्ज कहा जा सकता है या नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है एज कंपेयर टू एनोड, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो रेज जनरेट होती है उन्हें कैथोड रेज कहा गया, और कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड इन दिस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आप डिटेल्स दूसरे टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था, ई बाय एम फाउंड बाय थॉमसन, और मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फाइंड किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास मैं आपको बता दूं यहां पर, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। दिस इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज 1/1 1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना लाइटर है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरी बात, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो कैथोड रेस जो थी उन्हें पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कहा गया था, और वहां पर जब ये 1897 की बात है जब ई बाय एम फाइंड किया गया था, और 1999 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, इन 1999 प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड, और 1932 में डिस्कवर हुआ था आपका न्यूट्रॉन। तो इतना लेट क्यों हुआ न्यूट्रॉन, क्योंकि वह चार्जलेस पार्टिकल है और प्रोटॉन डिस्कवरी या प्रोटॉन की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो 1999 में हुई थी। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ चार्ज पर डिपेंड करता है, पूरा केमिस्ट्री जो है वो चार्ज और उनके अट्रैक्शन रिपल्शन पर डिपेंड करता है, और इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए हमें। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। रदरफोर्ड मॉडल जो था वह क्या था यह आप समझते हैं, वैसे तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ते हैं 12th क्लास में, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था वह मैं शॉर्ट में बताता हूं। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। अल्फा पार्टिकल जो होता है वह दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ पार्टिकल होता है, और इसको उन्होंने गोल्ड की पतली फॉइल पर प्रोजेक्ट किया था। गोल्ड की पतली फॉइल में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से गोल्ड के एटम्स होंगे, और उन्होंने फाइंड किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट मतलब 99.9 विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही कम जो है वह रिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी है, और उसका ज्यादातर मास जो है वो केवल एक छोटी सी जगह पर कंसिस्टेंट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है,
प्लस 2e जिसे कहा जा सकता है, 2e चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e नेगेटिव से रिप्रेजेंट होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है एग्जैक्टली उतना ही प्रोटॉन का होता है, यह पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक बात जरूर स्टैब्लिश हो गई थी, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेम चार्ज अगर है तो वह रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और डिफरेंट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो देयर विल बी अट्रैक्शन। तो यह पॉजिटिव चार्ज है, यह क्लियर है, और किसी चीज से रिबाउंस हुआ है, इसका मतलब यहां बहुत ही छोटी सी जगह पर पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही छोटी सी जगह पर पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज है, इसका मतलब यह किसी न्यूक्लियस से टर्न होकर वापस आया है। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बिल्कुल सिंपल बात है कि रदरफोर्ड मॉडल में सारा चार्ज जो है एक छोटी सी जगह पर है, पॉजिटिव चार्ज जिसे न्यूक्लियस कहा गया है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वह न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स आप देखेंगे, थॉमसन मॉडल एंड ऑल दैट। तो यहां पर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको थॉमसन मॉडल समझाऊं। थॉमसन मॉडल अगर आपको पढ़ना है तो 12th क्लास में देखेंगे। रदरफोर्ड मॉडल के पहले थॉमसन मॉडल था। थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से रहते हैं, पूरा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इस तरह से है, जैसे आपकी केक के अंदर छोटी छोटी चेरी होती है इस तरह से। तो थॉमसन का मॉडल तो ऑब्वियसली एक हाइपोथेसिस ही था, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हो गया कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन विच ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज देयर एंड इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस फार अवे एंड मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो अगर हम न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लेते हैं तो वो मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल में यह भी कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में धीरे धीरे गोल गोल घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है। इसका मतलब उन्होंने कहा था कि धीरे 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 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा और उसके बाद इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल सीन नहीं है, नेचर में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। तो रदरफोर्ड मॉडल की यह ड्रॉबैक था। इसके बाद बोहर मॉडल आया, और बोहर मॉडल क्या है उससे हमें और अच्छे से समझने को मिली। तो यहां पर मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया हमारे लिए। तो सबसे पहले था थॉमसन मॉडल, मैं आपको एक बार लिखना चाहता हूं, थॉमसन मॉडल। मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मॉडल आखिर क्यों हो रहे हैं? हमें नेचर को समझने के लिए, हमें कुछ एटम्स को समझने के लिए जो इनिशियल मॉडल थे वह दिए गए थे नेचर में, एटम के एग्जिस्टेंस को, उसकी साइज को, शेप को, उसके उसके बिहेवियर के बेसिस पर हम उसका मॉडल क्रिएट करते थे। तो थॉमसन मॉडल बड़ा सिंपल सा मॉडल था, लेकिन हल्की कुछ ही चीजों को एक्सप्लेन कर सकता था। फिर आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से काफी चीजें एक्सप्लेन हुई, जैसे कि न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस हुआ, और इसके अलावा रदरफोर्ड मॉडल के अपने ड्रॉबैक थे। तो मैं कहूंगा रदरफोर्ड मॉडल आया, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल से सबसे बड़ी बात जो मिली है, मैं न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस हुआ, दैट इज द ओनली पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। देन बोहर मॉडल वाज देयर। बोहर मॉडल हम क्लास 12 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, यहां मैं जरूर उसका थोड़ा सा पार्ट लूंगा, और इनफैक्ट मैं यहां पर वह पार्ट इंक्लूड कर रहा हूं आपके केमिस्ट्री वाले इस पार्ट में, एक एक्स्ट्रा क्लिप दे रहा हूं, 12th वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। और नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे आप अप टू द 12th छोड़ लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो बोहर मॉडल काफी अच्छी बात है, बोहर मॉडल को हम समझेंगे जरूर यहां पर। और मॉडल के बाद बोहर मॉडल से जो केवल था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही समझा जा सकता था, उनके स्पेक्ट्रा को ही समझा जा सकता था, क्योंकि स्पेक्ट्रा जो होता है उसे एक्सप्लेन करके हम एटम्स के मॉडल को और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन बोहर मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मिला हमें ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स एंड ऑल दैट, और उससे हम बाकी चीजें एक्सप्लेन कर सके थे। तो हमारा अल्टीमेट एम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझना, उसके पहले हम बोहर मॉडल समझेंगे, और बोहर मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझेंगे। तो बोहर मॉडल समझने के पहले, या इनफैक्ट हम कहें कि पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए, हमें स्पेक्ट्रा को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जो एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर दे वह एटॉमिक मॉडल बिल्कुल
सही होगा या इनफैक्ट ज्यादा बेटर होगा दूसरे मॉडल्स के कंपैरिजन में। तो हमेशा नए मॉडल आते रहे हैं और हमने देखा बोहर मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। रदरफोर्ड के बाद हमें क्लियर हो गया था कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यह रदरफोर्ड ने कहा था। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, स्टेबल नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन किस मैनर में, किस रूल में, किस ऑर्डर में, किस तरह से अपना मोशन करते हैं, यह समझने के लिए हमें काफी यह सब एक्सप्लेनेशन तो हम क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझ सके हैं फाइनली। लेकिन इनिशियली हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस है, उसके आसपास बहुत बहुत दूर दूर तक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिटल होंगे, जो भी जिसे भी हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहते हैं, क्या होता है इसके बाद में बात करेंगे। अभी तो हम केवल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के बेसिस पर हमें नेचर ऑफ लाइट समझना होता है। 11th क्लास में हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है 11th क्लास में आपको नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझने की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है और किस तरह से हम लाइट का इलेक्ट्रॉन्स के साथ या एनर्जी होती है उससे समझते हैं। तो लाइट जो होता है, लाइट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लाइट को एक पार्टिकल कहा गया था न्यूटन के जमाने में, न्यूटन ने उसे लाइट को कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया है लाइट को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से उसका पार्टिकल नेचर भी हमें मिलता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया जाता है। यहां पर इनफैक्ट हमें थोड़ी सी अच्छी जानकारी होना चाहिए लाइट और इलेक्ट्रॉन्स और उनके बीच में रिलेशन को। तो लाइट एक वेव है, इनफैक्ट एक वेव पल्स की तरह है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वेवलेंथ होती है लैम्बडा। वेवलेंथ क्या होती है इसको समझने के लिए आपको क्लास 11th में वेव्स को समझना होता है और स्पीड होती है इसकी। तो स्पीड वी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन होती है, दैट इज श्योर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह से होती है, इनकी स्पीड फिक्स्ड होती है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली, क्योंकि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम यूज करते हैं, उस पर अगर रेडिएशन होता है, रेडिएशन का मतलब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उस पर फॉल होने दिया, इंसिडेंट होने दिया जाता है, तो यह वेव्स अगर यहां इंसिडेंट होती है तो जैसे ही इंसिडेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है और इसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है उससे लिखा जाता है E और वह प्लैंक लॉ से दी जाती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, एच की वैल्यू 6.62 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड होती है। तो आप देख सकते हैं एक क्वांटा, इसे क्वांटा कहा जाता है, लाइट का क्वांटा, क्वांटा मतलब एक छोटा सा पैकेट। तो पहले न्यूटन के जमाने में उसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी, एक पार्टिकल कहा गया था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी,